भिक्षा के लिए जैसे वो देने का नहीं, उतना ले लो है, उतना लो, थोड़ी 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 हर घर से लो, जैसे किसी को बोल हमारा अपना संसार गृहस्थ का, अपना घर गृहस्थ है, अपना संसार है, अपना घर गृहस्थ संसार, किसी गृहस्थ को कोई बोझ नहीं पड़नी चाहिए, कोई साधु के लिए कोई बोझ नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए कहीं कहीं तो विप्र गृह में एक एक बार जो खाना के लिए जो लेते थे और कहीं कहीं अलग 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 घर से ग्रहण करते थे और क्या करते थे, अचूक ऐसे बैठो आप आपको फल कर, हरे कृष्ण। इसलिए कहते शुष्क बैठे ठीक है, बोले शुष्क चाना रोटी चिवाए भोग बने। और कैसे करते थे, तो चाना है कभी चाना रख लेते थे, रख करके भोग लगे तो चाना खा लेते थे। और कभी कभी जैसे कहीं अलग अलग घर से कोई रोटी भिजा किया, एक रोटी इसने दिया, दूसरी रोटी किसी ने तीसरे दिया, अगर थोड़ा ज़्यादा रोटी हो तो उसको रख लेते, रख करके हैं जैसे सवेरे सवेरे उठे चाना को भिजा दिया, रोटी को पानी में थोड़ा भिगो दिया, पानी में भिगो करके बस उसको ही खा लिया, थोड़ा नमक दे करके, नहीं तो थोड़ा गुड़ दे करके ब्रज में आते हैं ब्रज में अभी भी थोड़ा गुड़ दे करके थोड़ा अचार दे कर क्या किया उसको ही खा लिया, किसी तरह से पेट भर जाना चाहिए। बोले क्यों, बोले भूखे का भोजन होगा तो पा भूख में तो भजन कर ही नहीं सकता, इसलिए किसी तरह से जीविका निर्वाह करना जरूर, किसी तरह से अपना जीविका को निर्भर करते हुए किसी तरह से क्या करनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सारे भोग को त्याग करके हैं, सारे भोग को त्याग करके ऐसे ऐसे भजन करते थे। बोले करो या मात्र हाथे कांता छिड़ा बही घास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। कहते उनको साथ में क्या रहता है, जैसे हम लोग एक जगह पर है, पिछले रूम है, बेड है, बिस्तरा है, अपना बर्तन है, लेकिन वो तो आज एक पेड़ को नीचे रहता, दूसरे पेड़ को नीचे, कल दूसरे पेड़ को नीचे रहते, जब पेड़ को नीचे रहते थे फिर उनको साथ में रहता था क्या, तब साथ में करवा मात्र हाथे मतलब हाथ में एक कमंडल जैसे होता है, गंगा सागर जैसे होता है कमंडल, पानी पीने के लिए जरूरत है, पानी पीने के लिए एक उसमें, और क्या बोले कांथा है, कांथा मतलब होता है जितने पुराने पुराने जो कपड़ा है ना, जितने पुराने पुराने कपड़े को उन्होंने क्या करते थे, उसको इकट्ठे करके और सुई में सिलाई करके, सुई में धागा में, सुई धागा में सिलाई करके उसको एक बना देते, जैसे हम लोग कंबल ओढ़ते हैं ना, हाँ जैसे रजाई ओढ़ते हैं, ऐसे ही सारे पुराना पुराना कपड़े को दे करके एक रजाई से जैसे बना देते, जैसे ठंडा समय पर ओढ़े के लिए, इसलिए बस उसको ही ओढ़ लेते थे। और छिड़ा बहरी सर, छिड़ा बहरी बस मतलब शरीर में जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े कैसे है, नया कपड़ा नहीं, एकदम फटे फटे, किसी तरह से अपना लज्जा निवारण होना चाहिए,